Hello students, this is Neeru. Today I am going to explain you the topic methods of separating the components of mixture. मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के मेथड मैंने आपको बताया था. कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिनसे मिलकर मिक्सचर बना होता है उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं कंपोनेंट्स. अब हमें उन कंपोनेंट्स को अलग करना है तो उसके लिए मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिकेंटेशन. डिकेंटेशन अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय अलाउइंग द सॉलिड टू सेटल एंड पोरिंग ऑफ द लिक्विड. इसमें हम एक इनसॉल्युबल सॉलिड, अगर एक लिक्विड के अंदर एक इनसॉल्युबल सॉलिड डिजोल्व है तो उस मिक्सचर को हम कुछ टाइम के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग, उसको बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रख देते हैं जिससे कि सॉलिड पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं बॉटम पे. और उसके बाद हम ऊपर का जो लिक्विड होता है उसको अलग बीकर में पोर कर लेते हैं जिससे कि लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल दोनों अलग हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैंड स्टोन ग्रेवल मिक्सचर फ्रॉम वाटर. वाटर के अंदर सैंड है तो हम क्या करते हैं उस बीकर को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए रख देंगे जिससे कि सैंड बॉटम पर सेटल हो जाएगी और जो ऊपर का वाटर है उसको हम पोर ऑफ कर लेंगे अनदर बीकर में. सेकेंड मेथड इज़ फिल्ट्रेशन. अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड दैट इज प्रेजेंट एज स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग देम थ्रू अ फिल्टर पेपर. इसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि एक लिक्विड में प्रेजेंट है उसको फिल्टर पेपर से पास करते हैं जिससे कि इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और लिक्विड नीचे बीकर में पास हो जाता है. नेक्स्ट इज इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूज टू सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. इसमें वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसा कंपोनेंट जिसके वेपर बन जाते हैं, नॉन वॉलेटाइल ऐसा कंपोनेंट जिसके वेपर नहीं बनते. वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट में से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को अलग करने के लिए हम इवेपोरेशन मेथड का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया है तो वाटर तो वॉलेटाइल होता है और सॉल्ट नॉन वॉलेटाइल. अगर हम उसको हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट होके अलग हो जाएगा, नीचे आपके पास बीकर में सॉल्ट बच जाएगा. नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन. प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिक्विड फ्रॉम वेरी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स बाय स्पिनिंग. इसमें हम लिक्विड के पार्टिकल्स को सॉलिड पार्टिकल से स्पिन करके, हाई स्पिन पे स्पन करके यानी कि तेज स्पीड पे घुमा के इसको अलग करते हैं. और सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जिस मशीन का हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग मशीन. इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, लेबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन का टेस्ट करने के लिए, होम और डायरीज में बटर मिल्क से बटर को अलग करने के लिए, और वॉशिंग मशीन में से गीले कपड़ों से वाटर को स्क्वीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी. इट इज़ यूज टू सेपरेट टू और मोर डिजोल्व सॉलिड इन सेम सोल्यूशन बट देयर सॉल्युबिलिटी इज डिफरेंट. अगर दो या दो से ज़्यादा सॉलिड एक ही सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हैं तो उनको अलग करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं. ये कैसे हम अलग करेंगे, दो या दो से ज़्यादा सॉलिड डिजोल्व हैं सेम लिक्विड के अंदर बट उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, एक ज़्यादा सॉल्युबल होता है या फिर और एक कम सॉल्युबल होगा दूसरे के कंपेरिजन में. इसका यूज़ हम कलर्स, डाई में से कलर्स को, एक डाई के अंदर डिफरेंट कलर होते हैं उन सभी डिफरेंट कलर्स को अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और ब्लड में से ड्रग्स को अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट मेथड इज सब्लिमेशन. अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. इसमें सॉलिड बिना गैस डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट से पास किए. फॉर एग्जाम्पल आयोडीन अमोनियम क्लोराइड. इसमें हम एक मिक्सचर से आयोडीन अमोनियम क्लोराइड कैम्फर नेफ्थलीन इन सब इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ये इम्प्योरिटी डायरेक्ट सब्लाइम हो जाती हैं, डायरेक्ट गैसी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं. You have to write these notes on your FAI notebook. If you have any problem, then you can discuss to me. Thank you.